इस वक्त हमें भट्टुकला बस स्टैंड पर, भट्टुकला बस स्टैंड से सीईटी के जो परीक्षार्थी है यहाँ से जाने के लिए क्या क्या परिवहन द्वारा व्यवस्था की गई है यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं। भट्टुकला से यहाँ बस स्टैंड से विवाहनी, कैथल, सिरसा, हिसार सहित अनेक स्थानों पर परीक्षार्थियों को भेजने के लिए हरियाणा परिवहन रोडवेज द्वारा जो व्यवस्था की गई उसके लेकर यहाँ बसें गई हैं और उसके लिए बकायदा पहले बुकिंग थी, लेकिन अब बुकिंग की जो मौके पर जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनको भी भेजा जा रहा है। तो यहाँ हमारे साथ अड्डा इंचार्ज रमेश कुमार हैं, तो इनसे लेते हैं जानकारी। तो बताइए सर, आप सुबह से लगे हुए हैं, आपने क्या कितनी बसें यहाँ से भेजी हैं? सुबह से हमने 3:30 बजे 3 बसें कैथल की भेजी है और 4 बजे 1 भिवानी की भेजी है, उसके बाद में 1 सिरसा की भेजी है और 1 हिसार की, और 5-6 बसें हमने फतेहाबाद भेजी है। अच्छा, उसके बाद में हमने 9:30 बजे भिवानी एक और दूसरी बस भेजी है और 10 बजे हमने 2 बसें कैथल की और भेजी है। और जैसे ही मतलब ये बच्चे आ रहे हैं उसी तरह जो बच्चे परीक्षार्थी हैं, जो बच्चे परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, उनको कई बच्चों को अभी तक भी ध्यान नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि उनका पहले से जो बुकिंग करवाई जा रही थी, अब क्या व्यवस्था अपने मुंह से बताइए। अभी हम बुकिंग नहीं कर रहे, बिना बुकिंग के जो जैसे भी विद्यार्थी आ रहे हैं उसी तरह हम उनको बिठा के बसों में भेज रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि अच्छा भिवानी, हिसार, सिरसा, तो इनके लिए कल भी कई बच्चों के पेपर होने हैं, तो हम चाहते हैं कि दर्शकों को या बच्चों को उनको जानकारी मिले कि भट्टुकला बस स्टैंड से कौन कौन सी बस और किस टाइम जाएगी। सुबह 3:30 बजे कैथल की जाएगी और उसके बाद में 4 बजे जाएगी भिवानी की, और फतेहाबाद की तो उसी तरह चलती रहेगी, सरसा हिसार की भी चलेगी जैसे आज भेज रहे हैं, और जो दोपहर के बाद का पेपर है कैथल हम भेजेंगे 9:30 बजे 2 बसें। ये इन्होंने जानकारी दी है परीक्षार्थियों के लिए, हमने यह जानकारी लेना उचित समझा ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। भट्टुकला अभी शाम को भी कुछ आज कुछ जो बसें जानी उनका टाइम टेबल नहीं, आज शाम को तो अभी जो बसें जानी थी वो भेज रहे हैं ना, लगा रखी है हमने। ये जो हमारे पीछे बस लगी हुई है ये कैथल की लगी हुई है और कैथल की बस यहाँ से जा रही है, परीक्षार्थियों के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। हम इसके अलावा जो भट्टुकला में जो सेंटर है परीक्षार्थियों के लिए उनके लिए व्यवस्था की हुई है वो भी हम दिखाते हैं, जो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से उसके बाद भेजने के लिए सेंटर तक भेजने के लिए भी यहाँ प्राइवेट पीछे हमारे जो बस दिखा दे रही है उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। तो जिस तरह से यहाँ की जो टीम लगी हुई है ताकि परीक्षार्थियों को कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, अगर अनजाने में किसी को कोई दिक्कत आती है तो बात अलग है, अन्यथा सरकार द्वारा पूरी व्यवस्था यहाँ की हुई है ताकि हर परीक्षार्थी को परीक्षा देने के लिए किसी तरह का दिक्कत का सामना न करें। अब हम आपको बताते हैं कि बुकिंग जो पहले की गई थी उसको लेकर कुछ दिक्कतें आ गई थी और उसी के चलते पहले बुकिंग या कैथर की बस हमारे सामने खड़ी है, इसकी बुकिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि कितने परीक्षार्थी इस बस में अब सवार हैं। एक बार हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाए, हर तरह की व्यवस्था की गई है लेकिन परीक्षार्थियों की संख्या इस वक्त हम आपको बता देते हैं कितनी है। इस तरह से ये हालात हो गए हैं, सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है, सीटें खाली हैं, अपने अपने तरीके से लोग चले गए, अपने निजी वाहनों से कहें या किसी दूसरे वाहनों के माध्यम से बच्चे गए हैं, लेकिन वो ये हम बता देते हैं कि जानकारी के अभाव में चले गए हैं, उन्हें पहले से शायद जानकारी नहीं होगी कि बुकिंग कराना जरूरी है, बल्कि मौके पर भी अगर कोई बच्चा आता है तो उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर दी गई है और बच्चे बस में जा सकते हैं। कल के लिए भी हरियाणा सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें आप ऐसे बताएं और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े।